हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु इंडिया। मेरा नाम है प्रदीप सिंह और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्स डिटर्मिनेशंस एंड सेक्स लिंकेज। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स आइडेंटिफाई करना है कि जो आने वाली ऑफस्प्रिंग है वो कैसी है, वो मेल है या फीमेल है। ये प्रोसेस कहलाता है सेक्स डिटर्मिनेशंस। दूसरा है सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज का मतलब ये होता है कि कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो सेक्स बेस्ड क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड होती हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसी डिजीज जो है वो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस बींग में एक्स एक्स और एक्स वाई जो होते हैं, ठीक है ना, एक्स एक्स और एक्स वाई जो होते हैं, इनमें एक्स क्रोमोसोम्स या वाई क्रोमोसोम्स से इनहेरिटेड होती हैं, ठीक है ना। वो डिजीज जो है वो एक्स क्रोमोसोम्स या वाई क्रोमोसोम्स जो है बेस्ड इनहेरिटेड होती हैं, तो उनको स्टडी जो करते हैं उसको बोलते हैं सेक्स लिंकेज, ठीक है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब डिटरमाइन करना कि आने वाली ऑफस्प्रिंग क्या है, मेल है या फीमेल है, और सेक्स लिंकेज मतलब सेक्स बेस्ड जो डिजीज होती हैं उनकी स्टडी करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इट रेफर टू द बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स एज ए मेल और फीमेल, ठीक है ना। ये क्या होती है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या पता लगाया जाता है कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो किस में डेवलप्ड होगी, मेल में डेवलप्ड होगी या फीमेल में डेवलप होगी। अगर हम इसकी इंपोर्टेंस की बात करते हैं कि ये जानना क्यों जरूरी है या ये क्यों जरूरी है सेक्स डिटर्मिनेशंस, तो अंडरस्टैंडिंग सेक्स डिटर्मिनेशन इज क्रूशियल इन जेनेटिक्स एज इट इन्फ्लुएंस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी एंड हेल्थ, ठीक है ना। उसकी बायोलॉजिकल जानने के लिए और उसके हेल्थ जानने के लिए ये जो है सेक्स डिटरमिनेशन जो है जरूरी होता है, ठीक है ना। हालांकि वुमेन्स में ये जो है थोड़ा सा क्या कर रखा है, ये बैन कर रखा है, क्योंकि वुमेन्स में कुछ रूढ़िवादी लोग जो होते हैं, ठीक है ना, वो फीमेल्स को इतना तवज्जो नहीं देते जितना मेल्स को, मतलब बेटियों को इतना तवज्जो नहीं देते जितना बेटों को, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है। लेकिन हम जो है अदर ऑर्गेनिज्म में इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब आती है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं क्रोमोसोम्स और सेक्स के बारे में। तो सेक्स एक्सप्रेशन इज गवर्न बाय द क्रोमोसोम्स और जीन, ठीक है ना। सेक्स जो है वो किसके द्वारा होता है, सेक्स एक्सप्रेशन जो किसके द्वारा गवर्न होता है, वो होता है एक तो क्रोमोसोम्स के द्वारा और जीन्स के द्वारा। और इन यूनिसेक्सुअल एनिमल्स क्रोमोसोम्स आर टू टाइप्स, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल्स जो है सेपरेट सेपरेट होते हैं, उनमें दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक को बोला जाता है ऑटोसोम्स, दूसरे को बोला जाता है एलोसोम्स। अगर हम ऑटोसोम्स की बात करें तो ऑटोसोम्स विच डू नॉट डिफर इन मॉर्फोलॉजी एंड नंबर इन मेल और फीमेल्स, ऐसे क्रोमोसोम्स जो मेल में और फीमेल्स में समान होते हो, उनकी संख्या भी समान होती हो और उनकी मॉर्फोलॉजी भी समान हो, वो कहलाएंगे ऑटोसोम्स, ठीक है। दूसरा होता है एलोसोम्स क्रोमोसोम्स, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। क्रोमोसोम्स विच डिफर इन मॉर्फोलॉजी एंड नंबर इन मेल एंड फीमेल्स कंटेन जीन दैट डिटरमाइन सेक्स, ठीक है। तो एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो मेल में और फीमेल में या तो नंबर के बेस पर या क्रोमो या तुम्हारा जो है किसके बेस पर, मॉर्फोलॉजी के बेस पर जो है डिफरेंट होते हैं, मेल में भी फीमेल्स में भी। हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में जो है क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है, जो कि पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और कितने पेयर होते हैं, वो 23 पेयर बनाते हैं, ठीक है ना। कितने पेयर बनाते हैं, 23 पेयर बनाते हैं। अब 23 पेयर में से जो है 22 पेयर जो होते हैं, 22 पेयर जो होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो कहलाते हैं क्या, ऑटोसोम्स। और वन पेयर जो होता है, कितना, कौन सा वन पेयर जो होता है, वो कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स या जिसका दूसरा नाम होता है एलोसोम्स। अब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें ये 22 क्रोमोसोम्स जो है वो तो सेम होते हैं, ठीक है ना। ये 22 क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। और जो वन क्रोमोसोम जो है पेयर, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कैसा होता है, वो डिफर होता है। जैसे कि उसमें से अगर जो है एक पेयर में दोनों क्रोमोसोम्स कैसे हैं,
एक्स एक्स है तो वो क्या होगा, वो होगा फीमेल, ठीक है ना, वो क्या होगा फीमेल। और अगर क्या है वो एक्स और वाई है, क्या है बेटे, एक्स और वाई है तो वो क्या होंगे, वो होगा मेल, ठीक है ना। तो नंबर तो एलोजोम्स भी ह्यूमंस बीइंग में सिमिलर होता है, लेकिन अगर हम साइज की बात करें तो वाई क्रोमोसोम्स का साइज एज कंपेयर टू एक्स थोड़ा सा छोटा होता है। समझ में आ गया, यूनिसेलुलर, दैट मीन जिसमें मेल और फीमेल अलग होते हो, उसमें दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, पहले वाले को बोलते हैं ऑटोसोम्स, दूसरे वाले को बोलते हैं एलोसोम्स। ऑटोसोम्स वो होते हैं जो मेल और फीमेल्स में सेम होते हैं, ठीक है ना। ये जो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करते हैं वो है हाइट है, स्किन कलर है, आई कलर है, हेयर है, ठीक है ना। ये इस टाइप के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारे के सारे किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, ऑटोसोम्स के द्वारा। और एक पेयर क्रोमोसोम्स, एक पेयर का मतलब जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी, दो होगी। एक पेयर क्रोमोसोम जो है वो किसको कंट्रोल करता है, वो हमारे सेक्स को कंट्रोल करता है। दैट मीन्स आने वाली ऑफस्प्रिंग क्या होगी, वो मेल होगी या वो क्या होगी, वो फीमेल होगी, ठीक है ना। तो ये जो है किसके द्वारा होते हैं, ये एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा होते हैं। यूनिसेलुलर डिप्लॉइड्स इंडिविजुअल हैव टू सेक्स क्रोमोसोम्स एंड रेस्ट आर द ऑटोसोम्स, ठीक है ना। वो दो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के। सेक्स डिटर्मिनेशन के तीन मैकेनिज्म होते हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला तो होता है इन्वायरमेंटल, दूसरा होता है क्रोमोसोमल, और तीसरा होता है जेनेटिक मैकेनिज्म। एक वन बाई वन इनको हम करते हैं कि क्या क्या करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, मतलब जिसमें इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस बोल दो या इन्वायरमेंट जो है वो क्या करता है, वो सेक्स डिटरमाइन करने के लिए या उसको इफेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन जिसको बोला जाता है ESD, इज द फैसिनेटिंग फिनोमिना वेयर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर इन्वायरमेंट क्या करता है, एक एज ए फैक्टर रोल प्ले करता है। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो पहला होता है साइज ऑफ द एग्स, ठीक है ना। एग्स का साइज कैसा है, स्मॉल है या लार्ज है, ये डिसाइड करेगा मेल और फीमेल्स को। ये किसमें पाया जाता है, ये डिनोसोफिलस जो है सेक्स डिटरमिनेशन उसमें पाया जाता है कि अगर उसके एग का साइज कैसा है, अगर उसके एग का साइज कैसा है, लार्ज है, ठीक है ना। कैसा है वो, लार्ज है तो आने वाली ऑफ स्प्रिंग किसमें मैचर होगी, वो होगी फीमेल्स में। अगर उसके एग का साइज कैसा है, स्मॉल है तो आने वाली ऑफ स्प्रिंग कैसी होगी, मेल्स होगी, ठीक है ना। तो एग के साइज के बेस पर हम कह सकते हैं कि आने वाली ऑफ स्प्रिंग क्या है, मेल है या फीमेल्स। अगर एग का साइज कैसा है, लार्ज है तो फीमेल्स होगी, अगर एग का साइज कैसा है, स्मॉल है तो वो मेल होगा, ठीक है। दूसरा होता है द टेम्परेचर ऑफ इनक्यूबेशंस। इनक्यूबेशंस का मतलब ये होता है, आपने देखा वो कुछ बर्ड बर्ड वगैरह या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं क्या करते हैं, जो अंडे देकर के उन्हें सेकते हैं, ठीक है ना। तो उसको वो क्या करते हैं, उसको इनक्यूबेशन टाइम होता है, उसको इनक्यूबेट करते हैं, ठीक है ना। तो इन सम एनिमल्स सच एस क्रोकोडाइल्स इनक्यूबेशंस टेम्परेचर डिटरमाइन सेक्स। अगर इनक्यूबेशन टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा तो वो किसको इंडिकेट करेगा, तो वो इंडिकेट करेगा मेलनेस को, मतलब आने वाली ऑफ स्प्रिंग क्या होगी, वो मेल होगी। अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर कैसा होगा, लो टेम्परेचर होगा तो वो किसको इंडिकेट करेगा, वो करेगा फीमेलनेस को, ठीक है ना। तो टेम्परेचर के बेस पर और साइज के बेस पर जो है मेल और फीमेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन की, मतलब जब सेक्स जो किसके द्वारा डिटरमाइन हो वो क्रोमोसोम्स के बेस पर हो, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन रेफर टू द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल सेक्स इज डिटरमाइंड एट द क्रोमोसोमल लेवल। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इन ह्यूमन सेक्स इज टिपिकली डिटरमाइन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। देर आर फोर डिफरेंट सिस्टम्स
ऑफ एलोजोम सेक्स डिटर्मिनेशंस, नंबर वन इज XXXY मेल फीमेल मेल सिस्टम, सेकंड वन इज XXXO फीमेल मेल सिस्टम, नेक्स्ट वन इज XO एंड XX फीमेल मेल सिस्टम, नेक्स्ट इज ZW या ZZ दैट मीन्स फीमेल मेल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ये दो एक्स जो हैं ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये तो है फीमेल के लिए, और ये एक्स वाई किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये है मेल के लिए। सेम यहाँ पर डबल एक्स दैट मीन्स फीमेल, XO दैट मीन्स मेल, थर्ड में दे रखा XO दैट मीन्स फीमेल एंड XX दैट मीन्स मेल, फोर्थ में दे रखा ZW दैट मीन्स फीमेल्स और ZZ दैट मीन्स मेल्स। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम वन बाय वन। पहला दे रखा है एक्स एक्स एंड एक्स वाई, दैट मीन्स एक्स एक्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल एंड एक्स वाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल क्रोमोसोम्स। तो इसका एग्जांपल जो है ये किस किस पर अप्लाई होता है, ये ड्रोसोफिला पर होता है, दूसरा हम ह्यूमंस बीइंग पर होता है, मेंस पर, और कुछ अदर मैमल्स होते हैं उन पर ये अप्लाई होता है, दैट मीन्स उनमें अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड हो रहे हैं तो आने वाली ऑफस्प्रिंग कैसी होगी, फीमेल होगी, अगर एक्स वाई होगा दैट मीन्स आने वाली ऑफस्प्रिंग कैसी होगी, मेल होगी। इन दिस सिस्टम फीमेल्स हैज टू एक्स क्रोमोसोम्स इज होमो गैमेटिक एंड प्रोड्यूस ओनली वन टाइप्स ऑफ गैमेट्स व्हिच इज एक्स, ठीक है। सेकंड दे रखा इन मेल हैज वन एक्स एंड वन वाई क्रोमोसोम्स एंड हेट्रो गैमेटिक एंड प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स एक्स एंड वाईज, ठीक है ना, क्योंकि फीमेल्स में जो है दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसके गैमेट्स भी कैसे होते हैं, वो एक्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सेम टाइप्स के होते हैं, जबकि मेल में जो है क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई, इसलिए इसके गैमेट्स भी अलग अलग होंगे, एक एक्स के फॉर्म में होगा दूसरा वाई के फॉर्म में होगा। यूनियन ऑफ एक्स ओवम विद द एक्स स्पर्म्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल्स सेक्स इफ एक्स ओवम्स यूनिट विद द वाई स्पर्म्स इज प्रोड्यूस्ड मेल। इसका मतलब ये है कि अगर मेल का एक्स किसी फीमेल के एक्स के साथ क्रॉस करता है तो आने वाली ऑफस्प्रिंग कैसी होगी, फीमेल होगी, अगर फीमेल का एक्स ओवम और मेल के वाई स्पर्म्स के साथ प्रोड्यूस करता है, यूनिट करता है, तो आने वाली ऑफस्प्रिंग कैसी होगी, वो होगी तुम्हारा मेल। हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, ये फादर है पेरेंट्स में, ये मदर है, फादर के कैसे हैं गैमेट्स, उसके एक्स और वाई है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग होते हैं, और मेल में जो गैमेट्स होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, जो कि दोनों कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। अगर ये मेल का एक्स, ये वाला एक्स इस फीमेल के इस वाले एक्स के साथ कराता है तो क्या होगा, डबल एक्स हो जाएगा, जिसका क्या है फीमेल है, दूसरा अगर मेल का ये वाला एक्स एक्स और किसके साथ, फीमेल्स के इस वाले एक्स के साथ करता है तो भी कैसा होगा, आने वाली ऑफस्प्रिंग में डबल एक्स होगा, दैट मींस डबल एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट मींस आने वाली जनरेशन कैसी होगी, वो फीमेल, वो डॉटर होगी। दूसरी कंडीशन में अगर वाई जो है, जो कि मेल का गैमेट्स है, वो चाहे इस वाले एक्स के साथ फीमेल के, चाहे इस वाले एक्स के साथ फीमेल के साथ करे, तो गैमेट्स कौन से बनेंगे, वो आएंगे मतलब कौन से क्रोमोसोम्स होंगे, वो एक एक्स और एक वाई होगा, और हमने देख चुके हैं कि एक एक्स और एक वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को, दैट मींस आने वाली ऑफस्प्रिंग कैसी होगी, वो मेल होगी। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ 50% जो है वो डॉटर्स होती है, 50% जो है वो कैसे होते हैं, सन होते हैं, ठीक है ना, बेटे होते हैं, ठीक है ना। हालांकि ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, क्यों, क्योंकि जो है वाई क्रोमोसोम से स्मॉल होने की वजह से जो है ये जल्दी जो है क्या कर देता है, फ्यूजन कर लेता है, ठीक है ना। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आने वाली जनरेशंस क्या डॉटर होगी या सन होगी, दैट मींस मेल होगा या फीमेल्स होगा, वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फादर पर ना कि मदर पर। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ बेटियां बेटियां होती रहती हैं, तो वो अपनी वाइफ को उसके लिए रेस्पॉन्सिबल मानते हैं, जो कि 100% गलत है, उसके लिए वो गधे ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट है एक्स डबल एक्स एंड एक्स ओ, ओ का मतलब यहाँ पर जीरो है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो है जीरो है, तो जो डबल एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर वो करेंगे फीमेल्स को, और जो एक्स ओ है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो करेंगे मेल को। इस टाइप का जो सिस्टम प्रेजेंट होता है वो किसमें होता है,
ग्रास होपर्स में होता है, और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ऑर्थोपेटेरा और हिमेटोपेटेरा नाम के जो इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब इस फैमिलीज के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ये सिस्टम पाया जाता है। सेम इट इज इन दिस सिस्टम, फीमेल्स हैज डबल एक्स क्रोमोसोम्स एंड मेल हैज सिंगल एक्स क्रोमोसोम्स। सेकेंड वन, फीमेल इज होमोगैमेटिक एंड प्रोड्यूस ऑल द एक्स विद एक्स क्रोमोसोम्स, एंड मेल जो है वो कैसे होते हैं, वो हेट्रोगेमेटिक होते हैं, जिसमें से वो कैसे करते हैं प्रोड्यूस स्पर्म्स हाफ ऑफ विच द एक्स क्रोमोसोम्स एंड अदर हाफ हैज नन। मतलब फीमेल जो है वो दो टाइप की गैमेट्स प्रेजेंट करेंगे, जिसमें इसमें डबल एक्स होंगे, मतलब एक्स और एक्स हो सकता है, जबकि मेल्स में सिर्फ सिंगल एक्स होता है। दूसरा जो गैमेट है वो कैसा होगा, वो फॉल्स होगा, दैट मीन्स उसमें जो है एक तरीके का स्पर्म्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन इसका देखते हैं, तो मेल्स में जो है क्या है, फीमेल्स में पेरेंट में से डबल एक्स दैट मीन्स फीमेल, और एक एक्स और एक ओ दैट मीन्स क्या, मेल। तो फीमेल्स में तो सेम गैमेट्स बनेंगे एक्स के फॉर्म में, मेल्स में दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, एक एक्स और एक ओ। तो ये जब इसके साथ रिप्रोड्यूस करेगा, दैट मीन्स ये फीमेल्स का गैमेट इस मेल के गैमेट के साथ प्रोड्यूस करेगा, तो क्या बनेगी, आने वाले संतान में, आने वाले ऑफस्प्रिंग में दो एक्स क्रोमोसोम्स होने की वजह से वो कैसा होगा, वो फीमेल होगा। अगर फीमेल का ये एक्स क्रोमोसोम और इस किसके साथ, उस नल गैमेट्स के साथ प्रोड्यूस करता है, तो आने वाली जनरेशन से क्या होगा, एक्स ओ होगा, जो कि कैसा होगा, वो जो कि मेल होगा। ठीक, यही लिख रखा है यहाँ पर, द यूनियन ऑफ एग विद स्पर्म्स हैविंग एक्स क्रोमोसोम्स विल गिव रेज टू फीमेल्स सेक्स, एंड विद द स्पर्म्स हैविंग नन रिजल्ट इन द डेवलपिंग द मेल सेक्स। ठीक है ना, अगर फीमेल्स का एक्स क्रोमोसोम्स मेल के एक्स के साथ करता है तो फीमेल होगी, और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम्स मेल के किसके साथ, नल गैमेट के साथ करता है, तो आने वाली जनरेशन, आने वाली ऑफस्प्रिंग कैसी होगी, मेल होगी। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, थर्ड के बारे में, जिसको एक्स ओ और एक्स एक्स, ये जस्ट अपोजिट है किसका, ये जस्ट अपोजिट है सेकेंड्स का। वहां पर फीमेल्स में डबल एक्स थे, यहाँ पर मेल्स में डबल एक्स है, फीमेल में क्या है, एक्स ओ है, और डबल एक्स किसमें है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, डबल एक्स रेस्पॉन्सिबल है मेल के लिए। ये किसमें पाया जाता है, ये कुछ फ्यू स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, जैसे कि फ्यूमिया, ठीक है ना, कुछ ही इंसेक्ट की स्पीसीज होती हैं जिसमें ये प्रेजेंट होता है, सेम है। इन दिस सिस्टम फीमेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम्स व्हाइल मेल हैव द टू एक्स क्रोमोसोम्स। एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 50% एक्स सच एज फीमेल्स कैरी द एन एक्स क्रोमोसोम्स एंड रिमेनिंग 50% हैव नन। ऑन द अदर हैंड मेल हैव द टू एक्स क्रोमोसोम्स एंड प्रोड्यूस द स्पर्म्स विद एक्स वन एक्स क्रोमोसोम्स, दस फीमेल्स हैव द होमोगैमेटिक। वही है, यूनियन हम करते हैं, जहाँ पर दो एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, क्या चीज, जहाँ पर दो एक्स क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होगा, वो होगा मेल, और जहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम्स और एक नन होगा वो कैसा होगा, फीमेल। ये ठीक है, जस्ट अपोजिट है किसका, सेकंड वाले का। अब बात करते हैं, ये थोड़ा सा यूनिक रहने वाला है, फोर्थ वन, जिसमें क्या चीज, जेड डब्लू, जेड और डब्लू इस टाइप के गैमेट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फीमेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और सिमिलर जो है वो जेड जेड किसके लिए है, वो है मेल के लिए, ठीक है ना। फीमेल्स हैव द क्या, हेट्रोगैमेटिक एंड प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, जेड एंड डब्लू, व्हाइल द मेल हैव द होमोगैमेटिक एंड प्रोड्यूस ऑल द स्पर्म्स ऑफ सेम टाइप्स ऑफ कैरिंग वन जेड क्रोमोसोम्स। अगर हम का यूनियन करते हैं, यूनियन ऑफ जेड स्पर्म्स विद द ओम्स हैविंग जेड्स क्रोमोसोम्स गिव राइज टू द मेल्स, एंड यूनियन ऑफ जेड स्पर्म्स विद ओवम्स कैरिंग डब्ल्यू क्रोमोसोम्स लीड टू द डब्ल्यू और फीमेल्स। देख लो, जेड जेड है और यहाँ पर जेड डब्ल्यू है, तो यहाँ पर सेम टाइप के गैमेट्स बनेंगे जेड के फॉर्म में, और यहाँ पर कैसे बनेंगे, दो टाइप के बनेंगे, जेड और डब्ल्यू। अगर दोनों के जेड फ्यूज करते हैं तो मेल होगा, और किसका, पेरेंट में से जेड, और मतलब मेल का जेड और फीमेल का डब्ल्यू करेगा, तो क्या होगा, वो फिर वो होगा फीमेल। ठीक, ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली कुछ बर्ड्स होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, मॉथ्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डेफिनेशन देखते हैं। सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर डिटरमाइन द जीन्स ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स, यूजुअली किस पे होते हैं, ये एक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं इन ह्यूमंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज द
ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है ना, किसके द्वारा होते हैं, मतलब कैसे होते हैं ये इनहेरिटेंस, सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा होते हैं, किससे, पेरेंट्स से किसमें, ऑफस्प्रिंग्स में होते हैं, ठीक है ना। इट अकर्स व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स, कब होगा, जब उस पर्टिकुलर डिजीज के जीन्स किस पर होंगे, वो सेक्स क्रोमोसोम्स पर होंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो पहला चीज है कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा हीमोफीलिया, ये दो मोस्ट एग्जाम्पल हैं विच आर मोर प्रिवलेंट्स इन वन सेक्स एंड द अदर ड्यू टू देयर लिंकेज ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। जिसमें से हीमोफीलिया जो है उसको रॉयल डिजीज भी बोला जाता है, हीमोफीलिया को क्या बोला जाता है, रॉयल डिजीज भी बोला जाता है, क्योंकि जो है ये किसको, ये क्राउन प्रिंस जो है उनको भी है, और उनकी मदर जो है तुम्हारा क्या, एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ जो है उनको ये डिजीज है, क्योंकि वो रॉयल फैमिली है, जब रॉयल फैमिली है तो रॉयल फैमिली में होने वाली डिजीज भी कौन सी होगी, वो भी रॉयल डिजीज होगी, ठीक है ना। तो हीमोफीलिया का दूसरा नाम क्या है, रॉयल डिजीज। कलर इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया बेसिकली अगर ब्लड क्लॉटिंग्स नहीं होती इजली, ठीक है ना, हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग्स नहीं होती, अगर एक बार ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है तो वो प्राइमरी ट्रीटमेंट्स के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, उसके लिए जो है वो सीरियसली डॉक्टर्स को दिखाने पड़ता है, तब उसके द्वारा वो जो कंट्रोल होता है। और जबकि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि जिस बंदे को ये डिजीज होती है वो कलर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता, ठीक है ना, कलर्स में अंतर नहीं कर पाता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं एक एग्जांपल को देखेंगे इसके बारे में। पहले देखते हैं हम एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है ना, मतलब ऐसी डिजीज जिसके जीन्स किस पर के साथ लिंक्ड होंगे, एक्स क्रोमोसोम्स के साथ लिंक्ड होंगे, उसको बोला जाता है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस रेफर टू द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। सिंस मेल्स हैव वन एक्स क्रोमोसोम्स एंड वन वाई क्रोमोसोम्स एक्स वाई, वाइल फीमेल्स हैव टू एक्स क्रोमोसोम्स एंड एक्स क्रोमोसोम, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कैन रिजल्ट इन द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है, वो है तुम्हारा वेल नोन जो है ट्रेड्स जो है कौन से, इंक्लूडिंग कलर ब्लाइंडनेस और हिमोफीलिया, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। हाँ, दूसरी चीज इसमें ये कहा गया है कि जो मेल जो होते हैं, मेल जो होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं क्रोमोसोम्स, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, और फीमेल जो होती हैं उनके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो होते हैं, और दोनों कौन से होते हैं, दोनों होते हैं एक्स। और जैसा कि हम नाम से पढ़ चुके हैं, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मतलब इस डिजीज का जो जीन इनकोडेड होगा या कंट्रोल होगा वो किसके द्वारा होगा, वो एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होगा, क्योंकि अब मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए अगर वो डिजीज इस एक्स क्रोमोसोम्स के साथ लग गई तो ये क्या होगा, इससे डायरेक्ट इन्फेक्टेड हो जाएगा। जबकि फीमेल्स को इसका थोड़ा सा बेनिफिट है, फीमेल्स के पास क्या है, दो एक्स क्रोमोसोम्स उनके होने की वजह से अगर उसके किसी एक क्रोमोसोम्स में क्या है डिजीज भी लग गई तो उसके पास सेफ दूसरा एक्स क्रोमोसोम्स है, इसलिए फीमेल्स जो है वो इस डिजीज की कैरियर हो सकती हैं, जबकि जबकि मेल उसके कैरियर्स नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर फीमेल्स में ये डिजीज आ जाती है और उसके एक एक्स क्रोमोसोम्स में है तब भी हीमोफीलिया की वो क्या होगी, वो कैरियर होगी, मतलब उसका ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका एक एक्स क्रोमोसोम अभी कैसा है, नॉर्मल है। जबकि अगर यही सेम प्रोसेस किसके साथ होती है, मेल के साथ होती है, अगर उसके एक्स क्रोमोसोम्स में ये डिजीज लग जाती है तो उसका ब्लड का क्लॉटिंग होना बंद हो जाएगा। फीमेल्स में ये कब होगा, फीमेल्स में ये जब होगा जब उसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है ना, तो फिर वो ब्लड क्लॉटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। देख लेते हैं इसको हम स्क्वायर्स के द्वारा देख लेते हैं, कलर कलर ब्लाइंडनेस को, ठीक है। यहाँ पर एक्स है, एक्स और वाई, दैट मीन्स ये मेल है, यहाँ पर एक्स और एक्स क्या है, ये फीमेल्स हैं। हमने यहाँ कैपिटल बी को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करा है, नॉर्मल को किया है कैपिटल बी के द्वारा, और स्मॉल बी से क्या करा है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो मेल में क्या है, मेल का जो है वो कैसा है, नॉर्मल है एक्स क्रोमोसोम्स, जबकि फीमेल्स का कैसा है, कैरियर है, दैट मीन्स उसके फीमेल्स के एक क्रोमोसोम्स पर क्या है, एक्स क्रोमोसोम्स पर
वो जीन इनकोडेड है जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, दो एक्स क्रोमोजोम्स हैं, दोनों एक्स क्रोमोजोम्स कैसे हैं, नॉर्मल हैं, दैट मीन्स नॉर्मल फीमेल होगी ये। क्या होगा ये, नॉर्मल फीमेल। यहां पर भी तुम देखोगे नॉर्मल एक्स मेल के वाई के साथ कर रहा, तो ये कैसा है, ये है नॉर्मल मेल। लेकिन इसमें तुम देखोगे फीमेल्स का जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जो जीन है वो मेल के एक्स के साथ क्रोम कर रहा, तो ये कैसा होगा, ये होगी कैरियर फीमेल। क्या है ये, कैरियर फीमेल। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें कैरियर का मतलब बताया। और यहाँ पर ये कैसे होंगे, ये होंगे कलर ब्लाइंडनेस मेल, ये कैसे होंगे, कलर ब्लाइंडनेस मेल होंगे। तो आप देख सकते हो दोनों फीमेल्स कैसी हैं, अगर हम फीमेल्स की बात करें दोनों में से, तो 50% फीमेल्स जो है वो नॉर्मल है, जबकि 50% फीमेल्स कैसी हैं, वो है तुम्हारा कैरियर। और अगर हम मेल की बात करें तो 50% मेल जो है वो नॉर्मल है, और 50% मेल जो है वो कैसे हैं, कलर ब्लाइंड मेल है। ठीक, अब बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में थोड़ा सा। ए डोमिनेंट एक्स लिंक्ड जीन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर द कलर सेंसिटिव सेल्स एंड कॉन विद द रेटिना ऑफ आई। अकॉर्डिंग टू द ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स विद इट्स करेक्टर्स पिगमेंट्स दैट रिएक्ट मोस्ट स्ट्रॉन्गली टू द रेड ग्रीन एंड वायलेट्स कलर। द रिसेसिव फॉर्म्स ऑफ दिस जीन्स, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ द रिसेसिव एक्स लिंक्ड एलील्स फॉर द कलर ब्लाइंडनेस इज इनकैपेबल्स टू प्रोड्यूसिंग द कलर्स सेंसिटिव कॉन्स एंड द होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल्स एंड द हेमीजाइगस रिसेसिव मेल्स आर अनेबल टू द डिस्टिंगुइश बिटवीन द टू कलर्स। ये हम लोग सारी की सारी बातें पहले ही कर चुके हैं। ठीक है ना, फीमेल्स में जो है दो डबल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल में जो है वो एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम्स होता है। फीमेल्स में जो है क्या होती हैं, वो दो एक्स होने की वजह से वो उसके कैरियर्स भी हो सकती हैं, जबकि मेल जो है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स होने की वजह से वो डायरेक्टली कैसे हो जाते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है ना, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। ठीक है ना, इसमें दे रखा है मैरिड बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल विजन्स वुमेन्स। इसका मतलब ये है कि अगर किसी नॉर्मल वुमेन्स की शादी किसके साथ कर दी जाती है, एक कलर ब्लाइंड मेल के साथ कर जाती है, तो उसके अंदर क्या होगा, इनकी ऑफ स्प्रिंग्स में किस तरीके से वो करेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, क्योंकि यहाँ पर मेल का एक्स हमने सी लगा दिया उस पर, सी का मतलब कलर ब्लाइंडनेस। तो आप देखोगे ये एक्स इस एक्स के साथ करने की वजह से क्या हो रहा है, डबल एक्स हो रहा है, और सिंगल एक्स पे सी होने की वजह से कैसा होगा, कैरियर्स होगा। दूसरी कंडीशन, ये एक्स इस एक्स के साथ करेगा तो भी क्या होगा, कैरियर्स गर्ल्स होंगे, क्योंकि इसके वाई क्रोमोसोम्स जो है वो नॉर्मल है। ये वाई क्रोमोसोम्स मेल्स के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के साथ करने के बावजूद भी सारे बॉय कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, उनके अंदर कोई भी डिजीज नहीं होगी। तो कह सकते हैं कि जो है 100% गर्ल्स जो है वो कैरियर्स होंगी और 100% बॉयज जो है नॉर्मल होंगे, अगर हम जेंडर बेस्ड रखते हैं इसको तो। और अगर हम नॉर्मल रखते हैं तो बोल सकते हैं कि 50% जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो कैरियर्स हैं, और 50% जो है वो कैसे हैं, नॉर्मल हैं। ठीक, अगला दे रखा है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। कॉमन सी बात है, वो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस था, ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है। मतलब यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके साथ लिंक्ड होंगे, वो वाई क्रोमोसोम्स के साथ लिंक्ड होंगे। देखते हैं, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस रेफर टू द इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन द वाई क्रोमोसोम्स। वेरी गुड। अगला दे रखा है वाई लिंक्ड इज परफॉर्म्ड बाई दोज जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस सेक्शंस ऑफ वाई क्रोमोसोम्स एंड दैट हैड नो एलील्स ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। वेरी गुड। द जीन्स विद एक्सलूसिंग अकर्स इन वाई क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड द हॉलेंड्रिक जीन्स। हॉलेंड्रिक जीन्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। द जीन विच एक्सक्लूसिवली अकर्स इन वाई क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड हॉलेंड्रिक जीन्स। मतलब वो जीन्स जो
जो वाई क्रोमोसोम्स के साथ पर प्रेजेंट होते हैं उन जीन्स को क्या बोलते हैं, हॉलेंड्रिक जीन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, दैट मीन्स ऐसा एग्जाम्पल जो तुम्हारा वाई लिंक्ड ट्रेट्स हो, जेनेटिक स्पेसिफिक मार्कर्स यूज इन द पैटर्न सच एज द फिलोमस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। तो मेल इनफर्टिलिटी जो है वो किस पर डिपेंडेबल होगी, वो होगी वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। अगर किसी मेल्स के अंदर स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या चीज, मेल इनफर्टिलिटी, क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम्स बेस्ड डिजीज है। क्योंकि स्पर्म्स किस में बनते हैं, सिर्फ मेल्स में बनते हैं, क्यों, क्योंकि वो उनके अंदर प्रेजेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो मेल इनफर्टिलिटी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तुम्हारा वाई लिंक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें यथाशीघ्र।